हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगी हैप्पी दिवाली टू ऑल मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। और अभी आप देख सकते हो मेरी मम्मा इसी के कपड़े रख रही है, क्योंकि हमने दिवाली की साफ सफाई में हमारे इस्त्री के कपड़े बहुत निकले थे, इसलिए हमारे इस्त्री के कपड़े हैं। तो सुबह प्रेस वाले भैया तीनों पोटले दे के चले गए। आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, आज मैं उठी हूँ 11 बजे और अभी सोच रही हूँ, अभी मैं फटाफट ब्रश करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। और रात को मैंने नेल आर्ट किए थे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बाल ऊपर बांधना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब फ्रेश होना है। और फ्रेश होने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो मेरे लिए बाल ऊपर बांधना, क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हैं। अभी मेरी मम्मा यहाँ देख रही है कि वो क्या पहने, पर जितने भी उनके कपड़े हैं वो इस्त्री के होके अंदर पोटली में पड़े हैं। और मम्मा यहाँ सोच रही है कि मम्मा क्या पहनेगी, मम्मा क्या पहनोगे आप? सोच रहा हूँ रेड पहन लेता। रेड अभी? अभी तो यही पहन लेता हूँ, फिर पार्टी में। हाँ गाइस, मैं एक चीज तो आपको कहना भूली गई कि है ना, आज हमारी बिल्डिंग के नीचे पार्टी है, वो भी दिवाली पार्टी, वो फर्स्ट टाइम हो रही है, क्योंकि हमारे कभी बिल्डिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। और हमेशा बोलती हूँ कि हमारे बिल्डिंग से कम नीचे उतरते हैं लोग और ऐसे ऐसे, पर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत बड़ी पार्टी होगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ना कंफ्यूज हूँ रात से कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि है ना, एक गाउन पहनूंगी मैं और एक कुर्ती पहनूंगी। अब देखते हैं, नीचे डीजे पार्टी भी है और खाने का भी है, और ठूसने का मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो गाइज, हमें जो ये वाली बेडशीट है रेड वाली, इसके पिल्लो कवर नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ घूम गए हो। मिल गए ये, मैं जहाँ होता हूँ वो सब काम हो जाता। तो मेरे दोस्तों, अभी इसकी बेडशीट नहीं बिछी हुई है, तो मैं जादू से करने की कोशिश करूंगी। ये वाला टॉप, इसका अंदर का पार्ट तो कहीं जा रहा है, और ये है मेरा न्यू जींस। ये अभी के लिए मैं सुबह वेस्टर्न कपड़े पहन रही हूँ, रात को पार्टी के टाइम देखा जाएगी क्या पहनना है, क्योंकि अगर दिवाली है और दिवाली के टाइम अगर आप नए कपड़े नहीं पहनोगे तो वो दिवाली नहीं लगेगी। इसलिए मैं फटाफट से नए कपड़े पहन के आती हूँ। और तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टार्टिंग में बताया कि हमारे नीचे दिवाली पार्टी होने वाली है, तो उससे पहले हमारे यहाँ नीचे डेकोरेशन भी हो रही है, तो उसमें हेल्प कराने मैं भी आ चुकी हूँ और मैं करा रही हूँ हेल्प। और ये सारे भैया लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी लाइटिंग लगाई, और आखिर में आपको पता चलेगा कि क्या डेकोरेशन हुई है। हम देखो यहाँ बलून फुलाने में लगे हैं, ये जितना भी रिंग में बलून दिख रहे हैं वो सारे हम सब ने मिलकर फुलाए हैं। ऊपर लिखा था शुभ दिवाली, और ये इतना सुंदर लग रहा था, जब ये रिंग पूरा बलून से भर जाएगा तो इतना सुंदर लगेगा, वो तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। डेकोरेशन करके आ गई मैं थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि मुझे मेरी ड्रेस निकालनी थी और मैं सोच रही थी मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। फ्रेंड्स, मैं है ना नीचे दिवाली पार्टी के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है मैं ज्यादा अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, पर हाँ, मैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि अपनी तारीफ करने वाला कोई नहीं आने वाला है, इसलिए मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से मैं अपने स्लीपर्स बताती हूँ कौन से पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस, मैं ये वाले स्लीपर्स पहनने वाली हूँ जो मेरी फेवरेट है। हम जा रहे हैं अभी नीचे, एंड नीचे
नीचे है ना मैसूर मसाला डोसा है, अब वो मेरा सबसे फेवरेट है। एंड पाव भाजी भी मेरी फेवरेट है। कल खाई थी मैंने पाव भाजी और आज खा रही हूँ मैं मैसूर मसाला डोसा। यस हमारे नीचे था मैसूर मसाला डोसा खाने का और इतना टेस्टी था, मेरे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है ये बोलते हुए। साथ में गाने भी बज रहे थे तो खाते खाते तो मजा ही आ गया और मैंने डोसा खा लिया है। ये रही मेरी मामा। सब लोग अपने फटाके फोड़ रहे हैं, हम तो बाद में फोड़ेंगे और उससे पहले थोड़ा डांस कर लेते हैं। मेरी मामी सा और मम्मा पीछे खड़े हैं, मेरी फ्रेंड भी पीछे खड़ी है एंड मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। और आज मैं सुंदर भी लग रही हूँ। एंड अब हम कर रहे हैं डीजे पार्टी डांस और वो डांस करते करते हमें इतना मजा आ रहा था कि मैं हम क्या बताऊं। हम सब गर्ल्स मिलके एक जैसा डांस कर जा रहे थे। अब मजा पता नहीं चल रहा था कैसा डांस स्टेप कर रहे हैं, पर मजा आ रही थी, गाने के ऊपर कर रहे थे डांस। ये दिवाली पार्टी ऐसी है कि मुझे हमेशा हर साल याद रहेगी कि हम बिल्डिंग वालों ने ऐसी दिवाली पार्टी करी थी। और मुझे सच बोलूं ना बहुत ही मजा आ रहा है। अब केक कट होगा दिवाली का और दिवाली का केक बहुत अच्छा दिख रहा था और ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। रात तो ऐसी थी कि थक तो रहे थे पर डांस भी करना था। मेरे को तो लग रहा था मैं रुकू ही नहीं, मुझे बहुत डांस करने का मन कर रहा था। और वाव बारी है पटाखे फोड़ने की। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके पटाखे देखो कितने सारे हैं, मैं अपने पटाखे लाना नीचे भूल गई। तो चलो फटाफट से पटाखे फोड़ते हैं। ये और ये रही मेरी फ्रेंड जो वहां से भाग भाग के आ रही है और इसका नाम दीक्षिता है। और सब लोग फुलझड़ी जला रहे हैं और मेरे बाल मैंने ऊपर बांध दिए थे। और उसके बाद देखो गाइस कितनी मजा आ रही है हमें। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग देख के पसंद आ रहा होगा। चलो चलो बस चालू रखना। मैंने भी ऐसे बाप रे कतरो मो और हम इतने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, मुझे डर भी लग रहा है पर उनको देखने में भी बहुत मजा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। पटाखे जलाने से ज्यादा देखने में मजा आती है क्योंकि वो बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छे होते हैं। और जब तक मैं पटाखे फोड़ रही हूँ तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ देखो मेरे ब्लॉग देखो आप लोग। नहीं मत करो, मत खोलो ना, रहने दो ना, रहने दो, अनबॉक्सिंग मत करो, वापस उसमें रख दो। नानी अनबॉक्सिंग नहीं करने दे रही है।
है।